हेलो फ्रेंड्स, चलिए बेटा बात कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसको किस टाइप से आप उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे के बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, तो पहले हम उन चीजों को मेंशन कर लें कि व्हाट इज द एलाइड एंगल्स। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, टी रेशियो मैंने दिखा यहाँ पे, टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स बहुत सिंपल सा टॉपिक बेटा। एलाइड का मतलब समझ लीजिएगा, पहली चीज तो ये है कि अगर एंगल्स एलाइड है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है किसी भी दो एंगल का सम या डिफरेंस, कोई भी दो एंगल ले ली जाए उनका सम हो या डिफरेंस हो उसका रिजल्ट जीरो होता है। अदरवाइज इन दोनों का डिफरेंस या सम जो होता है इज अ मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू या आप इसे क्या बोलेंगे 90 डिग्री। मालूम है ना आपको, तो एलाइड एंगल का मतलब क्या हो गया बेटा कि कोई भी दो एंगल होंगे जिनका सम या डिफरेंस जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें इनके लिए बात इनके बारे में बात करनी है। जैसे कि ये आपको समझ में आ गया 90 प्लस माइनस थीटा, अगर मान लीजिए कोई दो नंबर है, मान लीजिए दो एंगल हैं, कोई 90 प्लस थीटा है, दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, इनका अगर हम सम करेंगे तब भी क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, और जब हम डिफरेंस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 थीटा आएगी। मतलब सम का वैल्यू तो क्या आ गया, सम 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब है दीज आर एंगल्स विच आर एलाइड एंगल्स। ओके, ये बात समझ में आ रही है। तो एलाइड एंगल्स के बारे में बात करनी है और इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा कि हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी वैल्यूज के लिए कि हम अगर बात करें कि अगर किसी भी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक है, किसी भी अगर एंगल की वैल्यू 90 से अधिक है तो हम उसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा केस बताता हूं। आपको एक चीज तो पता है, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज आपको मालूम है, तो हम उसका एक टेबल फॉर्म कर दे रहे हैं जीरो से 90 तक। ठीक है ना, आपको मालूम है जीरो डिग्री होता था 30 डिग्री, या इसे क्या लिखेंगे आप पाई बाय 6 लिखेंगे, 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3, एटा 90 डिग्री वैल्यू होती थी पाई बाय 2, और इन सबकी वैल्यू आप लोग निकालते थे। ठीक है, इन सबकी वैल्यू निकालते थे, आपको मालूम है साइन होता है, कॉज है, टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, जल्दी से इसे लिख लेते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यू आपको मालूम है। ठीक है ना, जीरो के क्या होता है, जीरो 31/2, रूट 1/√2, रूट 3/2, एटा 1, ओके 1√3/2, 1/√2, 1/2, एटा 0, वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 0 होती है, यहाँ वैल्यू आती है 1/√3, 1√3, एटा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, देन यहाँ पे √3, 1/√3, एटा 0 होता है। सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल 1 आएगा, 2/√3, रूट 2, 2 एंड नॉट डिफाइंड, अगेन यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, यहाँ पे जाएगी 2, रूट 2, 2/√3 एंड वैल्यू आती है 1। ठीक है, ये जो टेबल है आपने क्लास 10 में पढ़ी हुई है, इससे तो कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन अब हमें ये समझना है कि अगर वैल्यू 90 से अधिक है तो हम उसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम वही सीखने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए अभी आपसे पूछा जाए कि भाई 90 प्लस 30 डिग्री कहा गया है और आप वैल्यू बताइए 120 डिग्री की, वैल्यू किसकी बतानी आपको 120 डिग्री की, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली चीज तो आपको ये पता है कि एक्स के मतलब 0 डिग्री होता है, वाई पाई बाई 2 या आप इसे 90 बोलते हैं, ये होता है पाई और ये होता है 3π/2। ठीक है, यहाँ पे मालूम है आपको ऑल पॉजिटिव, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ होता है साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉज एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, ये समझते रहिएगा। ठीक है,
ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात की हुई थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में बेसिक में, ठीक है। यहाँ आर पॉजिटिव कॉस सेट टेन कॉट साइन कॉस सेट। अब देखिएगा ये 90 है बेटा, ये 90 है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं तो आयतन प्लस थीटा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, आयतन प्लस थीटा लेंगे क्योंकि थीटा अगर मूव करना है, या हम 90 से कम आते हैं तो भी ये फर्स्ट में होता है, 90 माइनस थीटा हो गया, पाई बाई टू माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा। अगर हम इसके इधर जाएंगे तो इसे हम लिखते हैं 90 प्लस थीटा। देखिए बेटा हमने यहाँ पे पाई बाई टू लिखा है, यहाँ 90 लिखा है, डिफरेंस नहीं होता बेटा, सेम चीज है। अगर हम इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है 180 माइनस थीटा, ध्यान से देखिएगा, क्लॉकवाइज। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, क्लॉकवाइज चले जाओ, इधर जा रहे हो, ये क्लॉकवाइज है, इधर जा रहे हो, एंगल में माइनस थीटा होगा। जब आप एंटी क्लॉकवाइज आते हो, इस डायरेक्शन में आते हो, तो वैल्यू होती है 180 प्लस थीटा। अगेन क्लॉकवाइज गए 270 माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज गए 270 प्लस थीटा, ठीक है। फिर आप यहां पे जब आते हो तो यहां पे कहां पहुंच गए बेटा, या तो जीरो के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो माइनस थीटा देखेंगे, अदरवाइज जब आप 360 कंप्लीट एक राउंड हो गया तो आप इसे 360 भी लिख सकते हो। तो 360 का क्लॉकवाइज क्या होगा, 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसका लोकेशन डिस्क्राइब कर लीजिए कि अगर 90 माइनस थीटा है तो हम कहां पर है, फर्स्ट में है, 90 प्लस थीटा है सेकंड, 270 माइनस थीटा थर्ड, 270 प्लस थीटा फोर्थ। तो ये दिमाग में होना चाहिए कि हम किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ओके। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि हम किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि भाई आप पहले बताइए साइन 120 डिग्री की और हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो 90 प्लस थीटा होगा वो, या 180 माइनस थीटा भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सेकंड में जा रहे हो तो आप 90 के रिस्पेक्ट में देख सकते हो या तो 180 के रिस्पेक्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना, रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वो रूल क्या है, पहली चीज तो ये कि आपको गिवन जो है, जो भी एंगल दिया गया है वो थीटा, जो भी एंगल दिया गया है उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रूल, थीटा नॉट जिसकी वैल्यू 90 से बड़ी है, समझिएगा 90 से बड़ी है, 90 डिग्री से अगर ग्रेटर है तो उस केस में देखिएगा थीटा नॉट को चेंज करेंगे 90 प्लस माइनस थीटा। देखिए माइनस थीटा का तो सवाल ही नहीं होता है, हम प्लस थीटा के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि 90 से बड़ा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, या तो हम चेंज करेंगे 180 प्लस माइनस थीटा चेंज कर सकते हैं, 270 प्लस माइनस थीटा चेंज करेंगे, 360 प्लस माइनस थीटा चेंज करेंगे, या n टाइम्स, बहुत बड़ी वैल्यू है तो n टाइम्स 360 प्लस माइनस थीटा करेंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल, दिस इज द फर्स्ट रूल, किसी भी एंगल को आप इस टाइप से चेंज करेंगे, ओके। चलिए अब हम इसके साथ साथ क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल भी लेते चलते हैं जिससे आप चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। ये है फर्स्ट रूल। अगर मान लीजिए इफ एंगल आपसे कहा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री, ठीक है, साइन 150 डिग्री, तो पहली स्टेप हमने ये बोली है कि जो भी आपके पास एंगल दिया गया 150, इसको आप चेंज कीजिए आइदर 90 प्लस या 180 माइनस, क्योंकि 150 है, 180 की रिस्पेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि 150 कहां आएगा, यहां आएगा, तो आइदर 90 प्लस लिखेंगे या 180 माइनस लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा बेटा, इसे हमने लिखा साइन 90 प्लस 60 लिख दिया, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 180 माइनस 30, जो आपकी इच्छा हो आप वो लिख दीजिए, वैल्यू क्योंकि सेम आनी चाहिए, बस ध्यान ये रखना, ठीक है। दूसरा रूल ये होता है कि जब आपने इस टाइप से वैल्यू को चेंज किया है, जो भी समेशन किया है, डिफरेंस किया है, तब आप देखिए इफ y एक्सिस, y का मतलब क्या हो सकता है, 90 प्लस माइनस है या 270 प्लस माइनस थीटा है, 90 या 270, ध्यान से देखिए हम y एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर y एक्सिस है तो इसका मतलब क्या हो सकता है बेटा,
आपको फंक्शन को चेंज करना है, फंक्शन चेंज होगा। अब फंक्शन चेंज कैसा होगा, ध्यान से देखिए, साइन कॉज में चेंज होगा, कॉज साइन में इंटरचेंज, टेन कॉट या कॉट टेन, एंड सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है, ये रूल ध्यान रखिएगा। और इफ अगर मान लीजिए 180 प्लस माइनस थीटा है, 360 प्लस माइनस थीटा है, या n टाइम्स 360 प्लस माइनस थीटा है, देयर आर नो चेंज। उस केस में चेंज नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है, उस केस में चेंज नहीं आएगा। अब वो चेंज नहीं आएगा और चेंज आएगा उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड स्टेप ध्यान देखिएगा, फंक्शन 90 प्लस है, 90 प्लस है, यहां पे क्या है 180 माइनस है, दोनों केस दिख रहे बेटा, एक तो 90 वाला भी केस दिखा है, इसका मतलब है y एक्सिस दिख रहा है, और दूसरा 180 का केस दिख रहा है, इसका मतलब है x एक्सिस। तो यहां ध्यान ये रखना है कि जहां पे भी x एक्सिस दिखेगा नो चेंज, और जहां पे भी y एक्सिस दिखेगा चेंज, y एक्सिस दिखा चेंज मतलब 90 या 270, 0 360 180 नो चेंज। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे आप साइन की जगह यहां पे लिखेंगे कॉज, क्योंकि 90 है इसलिए चेंज किया, यहां साइन की जगह आप एज इट इज साइन लिख देंगे, क्योंकि यहां पे चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 के साथ। ओके, दिस इज द सेकेंड रूल, बात समझ आई। एंड नाउ थर्ड रूल, राइट थीटा, जो भी थीटा दिया गया है उसको एज इट इज राइट कर दीजिए। ध्यान रखिए प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, केवल आप इस थीटा के बारे में बात कर रहे हो, ये थीटा आपको राइट डाउन करना है, ये थीटा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप पे क्या करना है, थीटा राइट डाउन करना है। यहां पे थीटा क्या होता, यहां पे थीटा है 60 डिग्री, यहां थीटा कितना है 30 डिग्री, हमने थीटा को राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ पोजिशन, बहुत सिंपल सा आर्टिकल, फोर्थ पोजिशन चेक लोकेशन या चेक क्वाड्रेंट, वेयर गिवन फंक्शन लाई, ध्यान से सुनिएगा, गिवन फंक्शन लाई क्वाड्रेंट, जहां पे गिवन फंक्शन लाई करता है, ऐसा नहीं कि जो हमने ऑब्टेंड किया है उसकी बात करता हूं मैं कह रहा हूं जो भी गिवन फंक्शन है वो कहां लाई कर रहा है उसके बारे में बात करें। तो गिवन फंक्शन क्या था, फंक्शन था साइन, साइन ये गिवन फंक्शन है, तो साइन कहां लाई कर रहा है, साइन लाई कर रहा है इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट। ध्यान से देखिएगा, 90 प्लस का मतलब भी सेकेंड होता है, 180 माइनस का मतलब भी क्या होता है, सेकेंड होता है, या डायरेक्ट आप देख सकते हैं 150 कहां जाएगा भाई, सेकेंड में जाएगा, और सेकेंड में यूज साइन, सेकेंड में इसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव का होता है, तो यहां पे हमने पॉजिटिव लगाया, यहां भी पॉजिटिव लगाया, इसका मतलब है कि कॉस 60 की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आएगी भाई, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आएगी, एंड साइन 30 भी 1/2 आएगा। तो आप किसी भी टाइप से आप यूज कीजिएगा, किसी भी टाइप से आप वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, आपको वैल्यू करेक्ट मिल जाती है। तो ये रूल्स हैं, इन रूल्स को अगर आपको ध्यान रखना है, ध्यान रख सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये रूल्स ऐसे क्यों है, इसके बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, फिलहाल अभी आपको काम इससे करना है, और वाई की बात करना है, तो वाई मतलब लास्ट में ही हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसी कंडीशन क्यों होती है। लेकिन तरीका यह है, आपके पास किसी की भी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ध्यान रखना है, कंडीशन क्या, फर्स्ट अगर 90 से कोई वैल्यू बड़ी है, क्योंकि 90 से छोटी वैल्यू है वो हमें पता है, ठीक है ना। और इसमें भी यह भी चीज ध्यान रखनी है कि थीटा जो है ना वो 0, 30, 60, 45, 90 ये होता है तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऑब्वियस बात है एलाइड एंगल है तो इस टाइप से ही वैल्यू निकलती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कुछ एग्जांपल्स करते हैं और बात करते हैं क्या, चलिए हम बात करते हैं 10, आपसे कहा जाए 225 डिग्री,
सिंपल 10 to 25 मिली। अब ये बताइए कि कहां पे 225 आपको आइडिया लग गया, सेकंड थर्ड में है। अब थर्ड में है तो हम इसका मतलब है इसे करेंगे 10 180 प्लस 45 डिग्री, या इसे करेंगे 10 270 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, 270 माइनस 45। अब ये समझिएगा 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसलिए हमने लिखा 10। 270 पे फंक्शन चेंज होगा तो 10 की जगह क्या लिखेंगे, cot लिखेंगे। तो 10 की जगह हमने लिख दिया cot। ठीक है, एंगल थीटा राइट डाउन करते हैं, थीटा राइट डाउन कर लिया 45 डिग्री। लोकेशन चेक कीजिए, हम थर्ड में हैं और थर्ड में जो फंक्शन गिवन है इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो गिवन फंक्शन है, गिवन क्या है, 10 है, 10 थर्ड में जा रहा है और 10 थर्ड में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यहां से भी 1 और यहां से भी 1 आएगी, बिकॉज 10 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम लोग, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग और देख लेते हैं। ये आइडिया समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बेटा और फटाफट इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कुछ एक दिया गया cos से 1200 लेके हमने, b ले लिया है sin 4530 दे लिया, बहुत बड़े बड़े एंगल्स दे दिया बेटा, ध्यान से देखिएगा 10 11 pi by 6 है, d sin 3060 दे दिया गया, एंड e cos माइनस 1125 डिग्री दिया गया। ठीक है, ये सारे एंगल्स के बारे में हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये सारे एंगल्स 360 से बहुत बड़े हैं। ठीक है ना, तो जब 360 से बहुत बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, 360 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और चीजों को देखते हैं कितने टाइम्स रोटेशन हो सकता है। आपको मालूम है ना, एंगल चाहे जितना ही बड़ा हो जाए वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 1200 है, देखिएगा ध्यान से कि अगर बात की कॉसेक 1200, तो 1200 को 360 से अगर आप डिवाइड करेंगे 1200, तो सिंपल साइज थीटा जाएगा 1080 हो जाएगा, 1080 वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 120 आ गया। इसका मतलब है जैसे ही आपने 1200 किया, इसका मतलब है cos से 3 टाइम्स 360 प्लस 120 आ गया, आ गया। ठीक, इसका मतलब है 360 में फंक्शन चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो आप 3 टाइम्स अगर रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब तो क्या हो गया, cos से 120 आ गया। ध्यान से देखिएगा, हमारा मतलब यहां पे केवल थीटा से है, हम ये नहीं देखेंगे कि 120 कहां पे जा रहा है, ये ध्यान केवल ये रखेंगे ये वैल्यू भैया थीटा है। अब कितने मुझे मतलब नहीं, 360 प्लस थीटा, हमने थीटा राइट डाउन कर दिया, वैल्यू कितनी, कॉसेक 120। अब 120 की वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं पता है मुझे, हम इसे क्या लिखें, कॉसेक 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब 90 में फंक्शन चेंज होता है, क्या लिखें, सेक 30, क्योंकि 30 राइट डाउन किया, 90 पे चेंज हो गया। अब लोकेशन देखिए, गिवन क्या है, कॉसेक गिवन है, तो कॉसेक का साइन कैसा होना चाहिए, 90 प्लस सेकंड में, और सेकंड में कॉसेक पॉजिटिव। अब सेक 30, अब सेक 30 की वैल्यू क्या, 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक माइनस का भी केस देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता कि भाई सेक नहीं, साइन लेते और माइनस का 225 दे देते, ध्यान से देखिएगा साइन के साथ क्या दे दिया, माइनस का 225 दे दिया। अब समझिएगा, साइन के साथ माइनस थीटा है, एंगल मत सोचिए कितना है, ये मत सोचिए एंगल कितना है, माइनस थीटा मान लेते हैं, साइन माइनस थीटा है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि भाई माइनस थीटा तो माइनस का क्या है। बहुत सिंपल सा केस होगा, आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और माइनस थीटा का मतलब आप यहां पे हो, कहां पे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम इसके लेंथ के बारे में बात नहीं कर रहे, जस्ट एक थीटा के बारे में बात कर रहे, कहां पे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या करना है आपको, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, साइन 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री हो गया माइनस का, बाहर निकाल दिया माइनस। अब तो आप पहले निकाल सकते हो, आसान है,
माइनस साइन अब 225 का मतलब हो गया 180 प्लस 45 कीजिए या 270 माइनस 45 कीजिए, बात एक ही होगी माइनस। अब साइन 180 पे चेंज तो होता नहीं है, 45 लिख दिया, लोकेशन चेक कीजिए बेटा, साइन की लोकेशन 180 प्लस है, इसका मतलब कहां पहुंच गया, थर्ड में। 180 प्लस कहां, थर्ड में, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया और वैल्यू क्या आ गई 1/√2 आ गई, ठीक है, लोकेशन समझ में आ रहा। चलिए तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम इसके लिए डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा कि साइन के साथ अगर माइनस थीटा है तो इसका मतलब होता है माइनस का साइन थीटा, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। कॉस के साथ अगर माइनस थीटा है तो इसका मतलब होता है कॉस थीटा, क्योंकि माइनस थीटा है फोर्थ में जा रहा है तो कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। टेन माइनस थीटा है इसके लिए होती है माइनस टेन थीटा, ठीक ना, कॉट माइनस थीटा इसका मतलब होता है माइनस कॉट थीटा, ठीक है, एंड अ सेक माइनस थीटा अगेन सेक थीटा होगी, ओके, एंड अ कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक थीटा, ध्यान रखिएगा माइनस कॉसेक थीटा, ओके, यहां तक की बात होगी। चलिए कुछ बातें और बची हुई उनको निकाल लेते हैं। जैसे ये दिया गया है साइन 4530, इसके बारे में बात की 360 डिवाइड कीजिए बेटा, तो 360 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 4530 को तो डिवाइड कीजिए बेटा कितना हो जाएगा 36 110 जाएगा, तो 36 कर लेते हैं, वैल्यू कितनी आ गई यहां पर कितना आएगा 15 माइनस का 6 9 हो जाना चाहिए 930, ये 2 टाइम जाएगा बेटा 720 भी आएगा और वैल्यू आएगी 0 1 और 2 210 आ गया, ठीक है 210, इसका मतलब हो गया साइन 12 टाइम्स 360 प्लस 210 आ गया, ठीक है बस समझ में आ गई, 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, 210 लिख दिया साइन थीटा लिख दिया, क्योंकि लोकेशन कहां है 360 प्लस थीटा, अभी समझ में आ रहा ना 360 प्लस थीटा है और 360 प्लस थीटा का मतलब कहां गए फर्स्ट में 360 ये 360 होता है ना, तो 360 प्लस थीटा मतलब आप यहां गए, आप इसे प्लस थीटा बोलिए या 360 प्लस थीटा बोलिए, फर्स्ट में जाते हैं और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। अब आते हैं 210 के बारे में, तो साइन 210 का मतलब हो गया 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 आपने क्या किया 30 लिखा, साइन ऐसे लिख देंगे, लोकेशन देखिए 180 प्लस 30, 180 प्लस थर्ड में और थर्ड में साइन नेगेटिव मतलब माइनस का हाफ हो गया, ये वैल्यू आ गई साइन 4530 की, ओके। नेक्स्ट देखते हो 10 11 पाई बाय 6 कहा गया है, इसका मतलब है 10 पाई बाय 6 का मतलब 30 होता है बेटा, पाई बाय 6 कितना होता है 30 होता है और 30 इंटू 11 330 इसके बारे में बात हो गई है 330 के बारे में, इसका मतलब हो गया 10 330 का मतलब हो गया 360 माइनस 30, आपने क्या लिखा 360 पे चेंज नहीं होता है 30 लिखा, लोकेशन देखिए 360 माइनस थीटा फोर्थ में, तो फोर्थ में 10 नेगेटिव मतलब वैल्यू माइनस 1/√3 बात समझ में आ गई, ये हो गया ये हो गया ये भी हो गया, क्लियर है ठीक है। अब इसके बारे में बात बताइए 360 डिवाइड करना है ध्यान से देखिएगा ठीक है, इसी इधर चले जाए तरीका समझ में आ रहा है, चलिए देखते हैं साइन अगर आपसे बात की 3060 की इसकी वैल्यू बताइए, वैल्यू देखते हैं 360 डिवाइड करना है 3060 को कितने टाइम जाएगा बेटा 9 टाइम्स देखा जाए, एक काम करते हैं ना 306 डिवाइड बाय 36 हो गया, डिवाइड करें 2 से तो आ गया 153 आ गया और 2 से डिवाइड किया तो 18 हो गया, ठीक है ऐसा हम कर सकते हैं, और फिर 3 से कैंसिल किया जाए तो 6 हो गया और 3 से कैंसिल किया जाए तो कितना हो गया 5 और 1 हो गया ठीक ना 8 टाइम्स जाएगा बेटा, तो ये 8 टाइम्स आएगा ध्यान से देखिएगा कितना टाइम जाएगा 8 टाइम्स आएगा और वैल्यू कितनी आएगी 0 ठीक है 8 टाइम्स गया तो 0 48 हो गया 4 आया तो 24 8 आ जाएगा तो 0 हो गया 16 8 आ जाएगा बेटा यहां पे
16 माइनस का 8, 8 यहां पे क्या आ गया 9, 9 माइनस 8 1 आ गया, ठीक है। तो 180 आ गया, कितना आ गया 180, समझिएगा। हमने क्या लिखा साइन, इसे लिखा 8 टाइम्स इनटू 360 प्लस का 180 लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 360 पे चेंज तो होता नहीं, अब आ गए हम 180 पर, 180 अब ये 180 की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो अब हम करेंगे इसे साइन 90 प्लस 90 कर लेते हैं या 180 प्लस 0 कर लेते हैं। 180 प्लस 0 भी कर सकते हैं, माइनस 0 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। आपने क्या लिखा 0, साइन चेंज तो होगा ना, ठीक है ना। अब आप प्लस 0 देखेंगे तो आप थर्ड में जाएंगे, माइनस 0 देखेंगे सेकंड में जाएंगे, लेकिन फर्क क्यों, क्या पड़ना है इस पे, क्योंकि ये तो 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑन द एक्स एक्सिस है, ये ऑन द एक्स एक्सिस है, रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। आपको ध्यान रखना है साइन 180 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई, चलिए तो इसको हम लोग इधर कर दिया जाए। चलो तो लास्ट एक क्वेश्चन बस गया है 1125, तो प्रैक्टिस के लिए इसे भी दे देते हैं। माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, इसका मतलब है कॉस थीटा, बताया था मैंने कॉस माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा होता है, अब थीटा कुछ भी हो सकता है, डिवाइड कीजिए 360 से 1125, ठीक है। ये जाएगा 3 टाइम्स तो 1080 हो सकता है, यहां पे आएगा 5 राइट माइनस 4 आ जाएगा और यहां पे आ गया 1 मतलब 45, ठीक है। तो ये हो गया cos 3 टाइम्स 360 प्लस 45 हो गया, इसका मतलब हो गया cos 45, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहा है, 360 पे चेंज नहीं होता है, तो cos 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, दिस इज आंसर, सही समझ में आया ना। तो अगर वो रूल आपको अच्छे से पता है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन एलाइड एंगल के बेस पर निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना है 90 पे फंक्शन चेंज होता है, मतलब वाई एक्सिस फंक्शन को चेंज करता है और एक्स एक्सिस फंक्शन को चेंज नहीं करता है। देन आपको बात करनी लोकेशन वाइज की, तो आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको साइन को पुट करना होता है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, ओके।